मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह और आज थोड़ा कोरोना पर मैं दो चार लाइन आपको देता हूं, जिससे कि आप अपना बचाव करें। एक पोटली में थोड़ा अजवाइन लौंग बांध के और इसको हमेशा जेब में रखें और सूंघते रहें, जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से ऊपर रहेगा। मेरा खुद 98 है। दूसरा, पपीते की पत्ती और उसमें थोड़ा सा बेलपत्र 3-4 पत्ती और पीपल का 3-4 पत्ती, क्योंकि देखिए इनकी आप पूजा करते हैं तो इसके अंदर औषधि गुण है, तभी आप पूजा करते हैं। तो इसके साथ एक नींबू गार के अगर आप सवेरे खाली पेट आधा गिलास भी सेवन करते हैं तो आपका प्लेटनेस भी बढ़ेगा और खून की कमी भी नहीं होगी और थोड़ा लीवर भी आपका ठीक ठाक रहेगा। तो इन चीज़ों का मैंने अच्छा प्रयोग किया है, करीब एक महीने से मैं कर भी रहा हूँ। मुझे सर्दी जुकाम बुखार आज तक अभी नहीं हुआ है और आप लोग भी इसका प्रयोग करें। आते हैं अपना हम दूसरे चैप्टर पर, टीवी के, जिसमें एंटीना एक टॉपिक है आपका। बहुत ही आसान है, हर घर में एंटीना लगा है। तो ऐसा चालक की व्यवस्था जो ट्रांसमीटर या रिसीवर का संबंध अंतरिक्ष से स्थापित करता है, उसे हम एंटीना कहते हैं। तो अब देखिए एंटीना का सिद्धांत क्या है। मैक्सवेल साहब ने कहा था कि त्वरित विद्युत आवेश अथवा इलेक्ट्रॉन, आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों में के ऊर्जा के रूप में प्रसारित करता है, उसे हम एंटीना का सिद्धांत कहेंगे। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसको कई तरह से समझाया भी जा सकता है। मैं आपको पेज में इसको दे दूंगा। और प्रेसी एंटीना जो होता है, दो तरह के, एक ग्राही और एक प्रेसी, दो एंटीना होते हैं। तो प्रेसी एंटीना की लंबाई अगर आपसे पूछता है कितनी होनी चाहिए, तो इसका एक सीधा सीधा फार्मूला है। एंटीना की लंबाई बराबर 1.4 × 10⁸ बटा एफ। एफ मतलब वही फ्रिक्वेंसी, हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड आप कह लीजिए। तो ये एंटीना की लंबाई होती है। बड़ा छोटा सा सूत्र है, इसे आप हमेशा याद रखिए, कहीं भी एंटीना की लंबाई पूछे तो बताइए। दो तरह के एंटीना होते हैं मुख्य रूप से, एक हर्ट्ज एंटीना जो प्रेसी में होते हैं, अभी ग्राहता वाले में मैंने नहीं बताया, जो प्रेषण होता है जहाँ से आप टावर से कोई बात कहते हैं उसको प्रेषित करते हैं, तो हर्ट्ज एंटीना, माइक्रोनी एंटीना। हर्ट्ज एंटीना की लंबाई लैम्डा बटा 2 ये मानी जाती है और इसे हर्ट्ज एंटीना कहते हैं। यह एंटीना ऊर्ध अथवा क्षैतिज, मतलब खड़े में भी और पड़े में भी, हॉरिजॉन्टल भी, किसी भी स्थिति में लगाया जा सकता है। तो इन एंटीना का जो है, इसमें आप ये चीज़ भी लिख सकते हैं हर्ट्ज में। और माइक्रोनी एंटीना की लंबाई वही लैम्डा बाई 4 होती है, इसे माइक्रोनी, और ये हमेशा ऊर्ध की स्थिति में लगाया जाएगा। तो हर्ट तो आपका हॉरिजॉन्टल पैरेलल दोनों हो सकता है, लेकिन माइक्रोनी एंटीना जो होता है ये हमेशा खड़ा लगेगा और 150 मीटर से 300 मीटर स्थापित इसको लगाना चूँकि कठिन हो जाता है, वहाँ पे इसका सही काम नहीं होता। तो यह एंटीना भूम से ऊंचे स्थानों पर वायुयान के लिए सही नहीं माना जाता है। और अगर आप माइक्रोनी एंटीना को देखें तो इस तरह से एंटीना लैम्डा बाई 4 इसकी जो लंबाई है और ग्राउंड में जो इसकी इमेज ये आती है, ग्राउंड में इस तरह का एंटीना भी आप बनाते हैं तो इसे माइक्रोनी एंटीना को इमेज के रूप में कहा जा सकता है। अन्य एंटीना में अगर आप देखें तो इंडोर एंटीना आप जो घर में लगाते हैं तांबे के तार से बेलनाकार जाली बना के, तो ये घरेलू रिसीवर के लिए आप इसको यूज़ करते हैं जो आपका घर के लिए है। टेलीस्कोपिक एंटीना होता है, ये एंटीना पीतल या निकिल का बनाया जाता है, इसका लोहे का छोटा छोटा व्यास का गोला बना के, आजकल साइकिल का भी आप लोग बना लेते हैं। तो और ब्रॉडकास्टिंग एंटीना आपका होता है, ये ऊर्ध एंटीना होता है। कभी कभी एक नंबर का सवाल में डालता है कि ब्रॉडकास्टिंग एंटीना कौन सा है, तो ऊर्ध मतलब खड़ा। ये देखिए, ये आपका, ये आप इसको देखे भी होंगे टाउ, इसमें बीच में एक लाइन जो है वो एंटीना है, टावर के रूप में बीच में एक लाइन एंटीना है और इसके नीचे केबल से जो है आप जोड़ते हैं इसको। टेलीस्कोपिक एंटीना देखिए, इस तरह का टेलीस्कोपिक जो रहता है ये बना रहता है आप दूरबीन वाला, ये भी है। इंडोर एंटीना घर में जो आप लगा देते हैं, इस तरह का इंडोर एंटीना होता है, इसको आप लगा सकते हैं। टीवी का जो एंटीना रहता है, टीवी के एंटीना के साथ
जो है आयताकार डायपोल होता है इसमें। तो आयताकार डायपोल देखिए इस तरह का आयताकार, और ये वृत्ताकार है जो जो आप साइकिल वाला लगाते हैं, ये होता है टीवी एंटीना। यहाँ गलत लिखा है, ये सॉरी टीवी सही लिखा है। और इसकी भी लंबाई लैम्डा बाई टू होती है। अलग अलग डायपोल के अलग अलग ज़रूरत में जहाँ रहेगी। और इस एंटीना को यागी एंटीना कहते हैं। इसका तो हमने आपको ग्राफ भी बनवाया है कक्षा 12 के छात्रों में, इस पर प्रैक्टिकल भी हुआ है। तो ये देखिए फीडर वायर है इसके अंदर, आप इसको दिखा के ज़रूर बनाइएगा इस चित्र को। और इसमें एक बूस्टर भी लगा होता है, ये जो छोटे छोटे वाले लास्ट में रहते हैं ये बूस्टर का काम करते हैं। बूस्टर का मतलब कि सिग्नल को बूस्ट कर देना। बूस्टर आप पीते भी हैं दवा, तो वो आपका वही चीज़ है, वही सिद्धांत है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप जो काम करते हैं वही आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है। और उसके बाद एंटीना एरे ये पूछ देता है। तो अनेक हाफ वेव एंटीना जो होते हैं, ये एरे अक्सर पूछता है एंटीना एरे क्या है। तो ये हाई गेन के लिए इसको उपयोग करते हैं। विशेष प्रकार का रेडिएशन पैटर्न इससे प्राप्त होता है। और अगर आप एंटीना एरे को दिखाना चाहें तो देखिए इस तरह से आप एंटीना एरे को आप दिखा सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट भी है, कभी कभी पूछता है, क्योंकि यागी एंटीना तो अक्सर पूछ लेता है लेकिन एंटीना एरे को भी पूछ सकता है। तो इसके अंदर कुछ नहीं, देखिए चित्र में एकदम साफ साफ है, कोई कठिन भी नहीं है। ज़रूर बनाइएगा इसको। टीवी में इस साल लड़के करीब 60 में 45 से ज़्यादा नंबर पाए थे। तो ये आसान चैप्टर भी है, पा सकते हैं। माइक्रोवेव एंटीना, तो माइक्रोवेव एंटीना आपका इस तरह का होता है। देखिए ये माइक्रोवेव भी उसी तरह से है। इसकी लंबाई जो है आप जान ही रहे हैं, लैम्डा बाई 4 होती है। कम्युनिटी एंटीना मतलब वो आपका जैसे डिश टीवी में पास में लगा हुआ है, तो उसको कम्युनिटी का मतलब कि एक एक मोहल्ला एक कॉलोनी, उस तरह के द्वारा टेलीविज़न एक साथ चलाए जा सकते हैं। कई टेलीविज़न केबल ओवर टीवी में इसका प्रयोग भी करते हैं, और जहाँ टेलीविज़न प्रसारण ठीक ढंग से नहीं हो रहा है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। और एंटीना से जो लाइन निकलती हैं, तार निकलते हैं, उसी को हम जो है फीडर या ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। मैंने पीछे भी बताया है, तो ये दो समानांतर वाली लाइन भी हो सकती हैं, दो ऐठे वही तार भी अक्सर लोग लगा देते हैं, उससे भी हो जाता है। उसके बाद इकहरी लाइन भी अगर आप लगा देते हैं तो भी उससे भी हो जाता है। एरियल ट्यूनिंग क्या है? तो एरियल ट्यूनिंग, यदि एक ही एरियल से ट्रांसमीटर रिसीवर अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर चलाना है अगर आपको, तो किसी फ्रिक्वेंसी के लिए लंबाई अधिक और किसी के लिए कम बैठेगी, तो ऐसी स्थिति में एरियल ट्यूनिंग कहते हैं इसको। इस व्यवस्था को, ये व्यवस्था है आपकी, तो एरियल ट्यूनिंग कहेंगे। अब आते हैं अभ्यास में। तो ट्रांसमीटर या रिसीवर का संबंध स्थापित करने वाले जुगाड़ को, युक्ति को हम एंटीना कहते हैं। प्रेसी एंटीना दो प्रकार का होता है, माइक्रोनी और एक आपको हमने बताया। टेलीविज़न एंटीना में रिसीवर में एंटीना का प्रयोग किया जाता है। यागी एंटीना हमेशा टेलीविज़न में, माइक्रोनी एंटीना हमेशा ऊर्ध्व मतलब खड़ा रहेगा। चैनल 4 के डाइपोल की लंबाई 222 सेंटीमीटर होती है। अनेक हाफ वेव एंटीना संयुक्त कर देने से, अनेक हाफ वेव एंटीना को अगर आप संयुक्त कर देते हैं तो एंटीना एरे कहलाता है। देखिए एक नंबर का सवाल यहाँ आ गया। ट्रांसमीटर की एंटीना को जोड़ने वाली लाइन को फीडर लाइन कहेंगे। भारत में टीवी का प्रसारण माइक्रोवेव, गलत है ये। एंटीना यागी से रिसीवर तक प्रयोग किए जाना वाला वायर फीडर वायर कहलाएगा। ये सीधे सीधे सत्य असत्य में है, तो एक एक नंबर का सवाल इसमें से आ सकता है। और इसमें जो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, इस तरह के सवाल आप देखें तो यागी एंटीना किसे कहेंगे, और ट्रांसमिटिंग एंटीना कितने प्रकार के होते हैं, दो वही माइक्रोनी और आप जान ही रहे हैं माइक्रोनी खाते भी हैं तो याद रख सकते हैं। किसी ट्रांसमीटर एंटीना की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 4, और उसके लिए फार्मूला मैंने आपको दिया है कि 3.3 × 10⁸ λ। इंडोर एंटीना कैसा होता है चित्र बना दीजिए, आउटडोर एंटीना कैसा होता है चित्र बना दीजिए। एंटीना कितने प्रकार के होते हैं, 3-4 प्रकार के मैंने आपको कम्युनिटी एंटीना, माइक्रोवेव एंटीना ये सब बताया, ये भी आप ले सकते हैं। और अगर बड़ा सवाल आपसे पूछेगा तो वही आए, क्योंकि टीवी का लगाते हैं तो यागी एंटीना की थोड़ा रचना जो मैंने आपको बनाया भी है, सिखाया भी है। और
इसका थोड़ा सा चित्र वर्णन कर दीजिए, बूस्टर वूस्टर दिखा दीजिए, तो थोड़ा सा ये आपका 4-8 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। और उसके बाद प्रेसी एंटीना कितने प्रकार के होते हैं थोड़ा चित्र बना के समझा दीजिए। तो ये छोटा सा सवाल है छात्रों, मैं इसको व्हाट्सएप में भी आपको दे देता हूँ और लगभग कोशिश करूँगा कि मई के पहले हफ्ते में आपका ये चैप्टर पूरा पेपर 5 भी ख़त्म हो जाए और 6 नंबर से कम आपको फेल तो होना नहीं है। और क्योंकि अभी तक 25 साल में कोई फेल तो नहीं हुआ है, 70% से ज़्यादा ही लड़के नंबर पाए हैं, आराम से 70% से ज़्यादा। इस साल तो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 76% तक हाईएस्ट रहा है हमारा। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर देते हैं, थोड़ा सा ढंग से, कोई क्वेश्चन छोड़िएगा मत, सामान्य आधारित विषय का हो, रेडियो टीवी का हो, हिंदी का हो, सामान्य हिंदी का पेपर आपको देना होता है विज्ञान वाला, और जो आपने एक आध सब्जेक्ट भूगोल, किसी ने इतिहास, किसी ने अंग्रेजी लिया है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि वो पेपर मैं पढ़ाता नहीं हूँ। सामान्य हिंदी तो आप जानते ही हैं, वो भी नहीं मैं पढ़ाता हूँ। तो ये दो चीज पेपर की जिम्मेदारी आपकी है। इसमें लड़के 50% पा जाते हैं, इससे हमारा ये परसेंटेज कम हो जाता है। अगर इसमें आप 60-70% पा जाएँ तो फिर आपका ये परसेंटेज करीब 80 से ऊपर हो जाएगा, ये श्योर मानिए आप। और किसी पेपर में आप फेल भी नहीं होंगे, टेक्निकल कहे जाएंगे। टेक्निकल के साथ साथ आपको जो है एक ITI के बराबर ये डिग्री होती है। कभी कभी कुछ छात्र इसको बड़ा हल्के में ले लेते हैं, इसको हल्का में मत लीजिए। और इसमें आप टेक्निकल रहेंगे तो NCC रहेगी साथ में, तो हमेशा आपको ये बहुत ही काम करेगा। और ये देखिए, ये आगे एंटीना का चित्र बना हुआ है, ये आपके घर के ऊपर लगा भी रहता है, और मैं इसको व्हाट्सएप में आपको दे भी देता हूँ छात्रों। और कोरोना पे एक बार फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ, थोड़ा अजवाइन और लौंग को बांध के सूंघते रहें, आपका ऑक्सीजन लेवल 94% से ज़्यादा रहेगा। घर के बुजुर्गों को भी कहें, और थोड़ा अजवाइन लौंग को सवेरे चबा के खाली पेट खा जाइए, ये भी बढ़िया है। और पपीता की पत्ती और साथ में उसके थोड़ा बेलपत्र 3-4 ठो, और पीपल के भी 3-4 पत्तियाँ अगर पीस के उसमें नींबू गार दीजिए, सस्ता है। अगर आपके पास 2-4 रुपये है तो एक मौसम्मी आप खरीद लाइए, उसको गार दीजिए उसके अंदर और उसको पी जाइए, और आप सवेरे पियेंगे 10 दिन में आपको असर दिखाई देगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि मेरा प्लेटनेस भी 2 लाख से ऊपर है, वो पपीता की देन है, और मैं आज से नहीं पी रहा हूँ, ऐसा मत समझिए कि मैं आज कह रहा हूँ, मैं 5 साल पहले से इसको पी रहा हूँ। क्योंकि मुझे अपनी औषधि जो मेरे गांव में ही है, तो थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाइए तभी कुछ होगा। ये अरोना कोरोना से आप लोग आराम से मुक्त रहेंगे, और नहीं करेंगे थोड़ा मास्क उसका प्रयोग करिए। मास्क लगाने से आपकी कोई इज्जत नहीं घटेगी, मास्क लगाने से आपका जो वायु प्रदूषण है, हम लोग पढ़ते भी हैं सामान्य आधारित विषय में प्रदूषण कितने प्रकार का कहाँ कहाँ होता है, वायु से, मिट्टी, सब कुछ। तो मास्क लगाने से क्या दिक्कत है, गमछा भी आप बांधते ही हैं, लेकिन आजकल चूंकि 10 रुपये के मास्क की बड़ी इम्पॉर्टेंस हो गई है, तो वो लगाइए, 40 रुपये का गमछा की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जबकि गमछा हमको लगता है कि ये बहुत ही सर पे, आप लक्स को भी मैंने समझा रखा है आपको कि सर पे गर्मी में गमछा लगा के चलिए, वरना आपको बुखार वगैरह ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि कटिया दौरी आप करते ही हैं। तो इसलिए आप इससे बचने की कोशिश करिए, हाई लक्स से बचिए। और मैं आज से इस पर नहीं कह रहा हूँ, मैंने इस पर आपको किताब भी लक्स पे दे रखी है, बता रखी है, समझा रखी है, समझाया है, उसके बाद भी आप नहीं मानते हैं तो बड़ा बुरा लगता है मुझे, कि लक्स जो है आपका क्या है, प्रकाश की तीव्रता है। तो ये प्रकाश की तीव्रता हाई लक्स में आप पशुओं को बांध देते हैं नीम के पेड़ के नीचे, कभी लक्स मोबाइल ऐप में उतार के देखिए, तो अपने तो आप 150 लक्स में बैठे रहेंगे और पशुओं को बांध देंगे 30,000 की लक्स में, और फिर कहेंगे दूध है नहीं हो रहा, क्यों नहीं, कैसे नहीं दूध होगा आपका। और ये प्राइमरी स्कूल के मास्टरों को मैं क्या समझाऊं, इनको तो RTI करने पर BSC बताता ही नहीं है कि हाँ धूप में बैठा के जाड़े में जो है बच्चों को पढ़ाना उचित है कि अनुचित है, एकदम हाथ पैर जोड़ने लगता है। मेरे पास RTI रखी हुई है, मैं बहुत जल्दी हाई कोर्ट में पहुँचने वाला हूँ इन लोग के खिलाफ। और ये पूरे हिंदुस्तान में मैंने मोदी जी को भी ये किताब भेजी है, मानव संसाधन मंत्रालय को भी भेजी है, और आज की ये किताब मेरी थोड़ी ना है हाई ये लक्स, ये 5-7 साल 2015 की किताब है ये जो है। और LED बल्ब को आप जानते ही हैं सॉलिड स्टेट लाइट है,
और गैसियस लाइट नहीं है। तो इस पर आप बार बार मत देखिए और इसको ऐसे लगाइए, 5 वाट का बल्ब लीजिए और उसमें टेबल लैंप लगाइए, और टेबल लैंप आजकल तो मिल रहा है 250-200 का एलईडी वाला, और उसको झुका के उसमें पढ़िए, अंधेरे से उजाले की तरफ देखिए। आप सिनेमा हॉल में देखते हैं अंधेरा कर दिया जाता है और पर्दे पर उजाला, तो आपको अच्छा दिखता है दूर से भी देखते हैं, तो कुछ तो समझने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो थोड़ा सा, चूँकि अध्यापक हूँ तो मैं थोड़ा तेज़ होकर करूँगा, और ये आजकल अरोना कोरोना जो आपका फैला हुआ है इससे आप थोड़ा बचे रहिए, क्योंकि एक महामारी है ये, और इससे आप थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित रखिए, और प्रशासन जो है उससे उलझने से आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो अब वो भी आपके फेवर में ही है, तो थोड़ा लॉकडाउन का भी फॉलो कर लीजिए। और चुनाव तो आप लोग लड़ चुके होंगे, ख़त्म भी हो गया होगा, और चुनाव से कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है। मैं तो जानबूझ के चुनाव में अपनी पत्नी को खड़ा करके लड़ रहा था। लड़ क्या रहा था, मैं हर कम से कम 8-10 घर में दंत मंजन बना चुका हूँ, मैं मशरूम उगा चुका हूँ, छात्रों को लक्ष्य की किताब बांट के समझा चुका हूँ। तो ये सारा काम मैंने इसलिए किया कि मैं थोड़ा और टीडीएस मीटर से सबका जो है नल का मेजर कर लिया हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक एक नल का टीडीएस 700-800 है, और लोग कह रहे हैं कि हमारे बाप दादा से हम पीते हुए चले आ रहे हैं। अरे बाप दादा पीते थे तब, उस समय उसका टीडीएस 150-200 था, आज की डेट में उसका टीडीएस जो है 700-800 हो गया। मेरे खुद के पंप सेट का टीडीएस जो है कभी मैंने 2003 में 200 था, 250 था, आज उसका टीडीएस 700 है। अब बताइए मैं उसका पानी पीऊँगा, कभी नहीं पीऊँगा। आपको पीना है आप पीजिए, अपनी भैंसों को जो है नीम के पेड़ के नीचे बांधना है बांधिए, पीपल बरगद पाकड़ के नीचे बांधेंगे तो 100-1000 की लक्ष्य होगी वो, या घर में कहीं जहाँ भूसा रखते हैं उसमें बांधिए। गाय के प्रति भी आप लोग अन्याय कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों, और ये टॉपिक मैं कोरोना के नाम से, कोरोना एंड पेपर 3 के नाम से लूँगा, और डिस्क्रिप्शन में इसमें मैं कोरोना और ज़रूर लिखूँगा एंटीना, और मुझे कोई डर नहीं है इस बात को कहने में, क्योंकि ये सारे टॉपिक जितने भी मैंने कहे हैं ये एकदम सत्य हैं, और आप थोड़ा सा मेरी बातों को बुरा ना मानते हुए फॉलो करके देखिए ना, आपको फ़ायदा मिलेगा। मैनी मैनी थैंक्स छात्रों, अगर आप रहेंगे तो दीपक सिंह रहेगा, और जब आप ही नहीं रहेंगे तो फिर दीपक सिंह के रहने का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। 92 में इंजीनियरिंग करके मैं आप ही लोगों के प्रति समर्पित हूँ, और आगे भी समर्पित मरते दम तक रहूँगा। भगवान सिंह का नाम मैं गिरने नहीं दूँगा, जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी मैं अकेले अपना जो है काम करूँगा, क्योंकि अकेले आया हूँ, अकेला ही काम करूँगा। मुझे कोई मोदी माया मुलायम ये सब बनने का शौक़ भी नहीं है, और प्रधान का भी जो पद मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं इसीलिए लड़ा था कि लोगों को, आपको जो पढ़ाता हूँ मैं गांव को थोड़ा बताने में सफल हो जाऊँ, और इसमें दो राय नहीं है कि मुझे बहुत इज्जत मिली है, तो मैं हारने जीतने के लिए नहीं लड़ा। मैंने पहले ही भी कहा था गांव में, आज भी कह रहा हूँ। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों, भगवान करे आपके घर में कोई बीमारी ना हो, और आप थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दीजिए, बड़ा अच्छा मौका है, घर में थोड़ा सा वीडियो सुन लीजिए, और रिमोट कंट्रोल के बारे में मैं बार बार कहता जा रहा हूँ कि थोड़ा सा उसको आप यूट्यूब पे देख लीजिए, रिमोट कंट्रोल से सवाल आते हैं। मेनी मेनी थैंक्स 4th पेपर में, अगेन मेनी मेनी थैंक्स अगेन छात्रों। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं आपको उसको लंबा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ चल रही हैं जिस वजह से मैं आपको कुछ बोल गया हूँ, तो उसको आप बुरा मत लीजिए, आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, अगर नहीं आपको आता है तो आप बुरा मानिए, नो डाउट, फिर उसके बाद आप मेरी बात को बुरा मानिए, लेकिन अगर सही आता है तो आप मुझे कोई आशीर्वाद आपकी ज़रूरत आप देंगे तब भी अच्छा है। पारस पत्थर कहते ही हैं आप लोग, तो आप लोगों का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इस मामले में, और मैं हमेशा प्रार्थना करूँगा हनुमान जी से कि आप लोगों का भगवान भला करे, और जब स्कूल खुले तो आइए आप लोग, थोड़ा सा और भी जानकारी बढ़ाई जाएगी। अब तो दंत मंजन आपको भी मैं सिखाऊँगा, मशरूम भी सिखाऊंगा, मतलब बेरोजगारी तो नहीं रहने दूंगा, और प्राइवेट जॉब मैंने आपको पहले ही कह रखी है कि मेरे हाथ में है, 150 लोग आ जाइए जो एकदम बेकार हैं गांव के, उनको मैं सिक्योरिटी में लगा दूंगा, 10,000 रुपये मिलेंगे, रहने की जगह मिलेगी, और जो थोड़ा सा मेरा व्यवसायिक शिक्षा पढ़े हैं
18-19 हज़ार रुपये की आपको एक जॉब आराम से मैं दिला सकता हूँ। और NCC अगर आप कर लेते हैं तो तैयारी करिए और उसके साथ आगे बढ़िए। थैंक्स अगेन, आपके माता पिता को मेरा प्रणाम कहिए।